वेलकम बच्चों। सो हमारा चालू था डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में हमारी एक्सरसाइज 1.3 चालू है, जिसमें हमारी लॉगरिथमिक मेथड या फिर इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सो उसी के हिसाब से हमारे पास है आज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है देखो आपसे, शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x इन द फॉलोइंग वेयर ए एंड पी आर कॉन्स्टेंट। अगर हमारे इसमें ए और पी अगर आता है तो वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, और आपको ये शो करना है, यानी dy बाई dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y बाई x, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, तो हम इसके आंसर्स देखते हैं, ठीक है। चलो बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दिया है हमको x पावर 7 इंटू y पावर 5 इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 12 दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x और y मिक्स में भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन भी है। दूसरी बात, यहाँ पर हम लॉगरिथमिक मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो x पावर 7 इंटू y पावर 5 है और यहाँ पर पावर 12 है, तो हम यहाँ पे लॉग वाली मेथड लगाते हैं। सो लिखेंगे हम यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, लॉग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ होगा लॉग x पावर 7 इंटू वाई पावर 5 और इधर होगा लॉग x प्लस वाई पावर 12। अब यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, तो लॉग में क्या होगी, एडिशन, और यहाँ पे पावर है तो मैं सामने भी ले लेता हूँ, यानी स्टेप डायरेक्ट करते, तो 7 लॉग x प्लस यहाँ पर 5 सामने आएगा, log y इज इक्वल टू यहाँ 12 सामने आएंगे और होगा यहाँ पर log x प्लस y, ठीक है। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो चलो ये 7 तो बाहर है, डेरिवेटिव किसका होगा, log x का, ठीक है, प्लस ये 5 बाहर, डेरिवेटिव होगा किसका, log y का, ये 12 बाहर और डेरिवेटिव होगा log x प्लस वाई का, ठीक है। सॉल्व करो, तो ये 7 है, लॉग का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर 5 है, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई आएगा, लेकिन dy बाय dx, क्योंकि x रहता तो टेंशन नहीं, लेकिन बाकी है तो डबल डेरिवेटिव, इज इक्वल टू ये 12 इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो x के जगह पे x प्लस वाई इंटू फिर से डेरिवेटिव होगा किसका, x प्लस वाई का, ठीक। सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा 7 बाय एक्स प्लस ये बनेगा 5 बाय वाई और साथ में dy बाय dx इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा 12 x प्लस वाई अपॉन में, और यहाँ डेरिवेटिव लगा दो तो x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ठीक। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 बाय एक्स प्लस 5 बाय वाई dy बाय dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई वन जा वही रहेगा, प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा ऐसा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये डी वाई बाय डी एक्स वाला है, इनको साथ में लेते हैं, नज़दीक लेते, तो ये होगा 5 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस ये पूरा का पूरा इधर आएगा, मतलब 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब उधर बचा क्या है, ये बचा तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ये जो पार्ट है 7 बाई एक्स वाला उधर जाएगा, तो माइनस 7 बाई एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या, 5 बाई वाई माइनस यहाँ पर 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पर है 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ पर 7 बाई एक्स है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करो, हमारे पास क्या होगा, अभी हमने यहाँ पर अंदर भी सॉल्व करना है, यानी यहाँ पर होगा dy by dx इज इक्वल टू, देखो 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू एक्स होगा 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y माइनस 12 इंटू वाई 12y अपॉन में बनेगा हमारे पास y और x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसा देखो क्या होगा, यहाँ पर है हमारे पास 12x माइनस यहाँ पर हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास में 7x माइनस 7 इंटू वाई, ये होगा 7y अपॉन में यहाँ पर x प्लस वाई और साथ में रहेगा x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम dy बाय dx, तो यहाँ देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 5x है
अब यहाँ पे 5y माइनस 12y ये बनेंगे हमारे 7y अपॉन y साथ में x प्लस वाई, ठीक है। अब आगे में यहाँ पर सॉल्व करो इसको, तो यहाँ नज़र आएगा आपको, देखो ये 12x है, 12x में से 7 इस गया तो ये बन जाएगा 5x माइनस ये 7y अपॉन यहाँ पर x प्लस वाई साथ में x, ठीक है। अब दोनों तरफ में आप देखो तो यहाँ पर dy बाई dx है, ठीक। अब यहाँ में जो ऊपर में है 5x माइनस 7y, यही यहाँ पर भी है 5x माइनस 7y, ये पूरी तरह से कटेगा। ऊपर से ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई दोनों तरफ है वो भी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/y और उधर बचेगा 1/x। अब ये y को आप उधर भेज दो, इसलिए आपके पास होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, y ऊपर चला गया तो y बाई एक्स, यानी इस तरह से आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो उसने जो कहा था कि dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स निकालो, तो आ गया, इस तरह से करना है, ठीक है। चलो तो ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कहा है देखो, तो x पावर p और साथ में है y पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और यहाँ पर है p प्लस 4 पावर में, और p हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक। तो वैसे ही करेंगे यहाँ पर टेकिंग, देखो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम कहा है यहाँ पे 7, 5, 12 ऐसे नंबर दिए, यहाँ पर p है, 4 है, p प्लस 4 है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट को डाल दिया, ठीक है। तो क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करते हैं जैसे ये स्टेप पे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो p सामने आएगा, यहाँ पर बनेगा लॉग एक्स, प्लस 4 सामने आएगा, यहाँ पर बन जाएगा लॉग y, यहाँ पर होगा p प्लस 4 और यहाँ होगा log x प्लस y, ये ध्यान में रखो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे वहाँ किया, यहाँ पर भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर p बाहर जाएगा इंटू log का डेरिवेटिव 1/x, प्लस ये 4 होगा log का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, फिर से p प्लस 4 है यहाँ पर और लॉग का डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई आएगा, साथ में फिर से एक्स प्लस वाई का क्या होगा डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, यानी ये जो हमारे पास में स्टेप्स मिली है ये हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर होगा पी बाय एक्स प्लस 4 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये पी प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसी पी प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही यहाँ पर होगा। अब इसको और इसको नज़दीक ले लो, तो 4 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये इधर आएगा, तो पी प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बचा क्या है पी प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई और ये उधर जाएगा, तो माइनस पी बाय एक्स बनेगा, ठीक। ऐसा हमको सॉल्व करना है। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को फिर से कॉमन निकालो, जैसे यहाँ पर हमने किया, सो डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर आप देखें क्या बचेगा, यस 4 बाय वाई माइनस यहाँ पर बचेगा पी प्लस 4 अपॉन यहाँ है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है पी प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ पर पी बाय एक्स, जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सॉल्व किया यहाँ पर भी करेंगे, सो ये है आपका डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इसको देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो पहले 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4x प्लस 4y माइनस y से करेंगे तो ये पी वाई माइनस 4y अपॉन होगा y और x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो पहले x से करेंगे तो पी एक्स प्लस 4x माइनस p से करेंगे तो पी एक्स माइनस पी वाई बराबर साइन वाई, ध्यान में रखना x प्लस वाई साथ में x। अब देखो यहाँ पर आप बराबर चेक करो, तो ये dy वाई बाय डी एक्स है, आप यहाँ पर आप चेक कर लो बराबर, देखो यहाँ पर 4y और 4y कैंसिल होंगे, एक 4y ये माइनस में, तो बचेगा क्या 4x माइनस पी वाई, 4x माइनस पी वाई, यहाँ पर y है और x प्लस वाई, ठीक। यहाँ पर देखो
यहाँ पर पी एक्स और पी एक्स क्या होंगे कैंसिल, तो बचेगा 4x माइनस पी वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई है साथ में x। अब आप देखो dy वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में जो है वही यहाँ पर न्यूमरेटर में कटेगा, यहाँ पर x प्लस वाई कटेगा, तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 समझो, नीचे में y तो 1 बाई वाई, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा तो 1 अपॉन x। अब सिंपल y को उधर भेज दो, यानी dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन x। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार से हमको क्या करने होते हैं, जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो इसको आप बराबर प्रैक्टिस में लाइए, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, अब हर क्वेश्चन एक समान रहेगा ज़रूरी नहीं है, यही हमारे 12th क्लास की स्पेशलिटी भी है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो हमारे इस क्लास में देख ही रहे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।